हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर विख्यात हैं अपनी वीर रस की कविताओं के लिए। कविवर भूषण के बाद उन्हें हिंदी साहित्य का वीर रस की कविताओं के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। रेणुका, रसवंती, ज्वार, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मि रथी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में कविवर दिनकर ने उस समय का वर्णन किया है जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडव के दूत बनकर के हस्तिनापुर राजसभा में जाते हैं और दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु दुर्योधन पर भगवान श्री कृष्ण की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपने सैनिकों को भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की अनुमति देते हैं। तब भगवान उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। इन सभी प्रसंगों का कविवर दिनकर ने सुंदर और सजीव वर्णन किया है रश्मि रति के तीसरे सर्ग में। कविवर दिनकर कहते हैं, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वंशी सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस-नस में तेज प्रभा लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। सा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंदर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकणिया जिनकी सेत सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें ले है, यह देख पवन मुझमें ले है, मुझमें विनीन झनकार सकल, मुझमें ले है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, सहान झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरूपग मेरे हैं,
दीप्ति जो यह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोटि सूर्य, शत कोटि चंद्र, शत कोटि सरित सर सिंधु मंत्र। शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि विष्णु जलपति धनी। शत कोटि रुद्र, शत कोटि काल, शत कोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है शिष्टि उधर। मैं जभी बूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन याव की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वाय शिगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। सौभाग्य तो भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्य सब लोग डरे, चुपते या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ करे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।